स्वागत है। आज 12 जनवरी 2020 का दिन है, माघ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, तिथि द्वितीया है, वार रविवार है, विक्रम संवत 2076 है और परधावी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1941 और सूर्य उत्तरायण में शिशिर ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीखात 16 है, जमादी उल अव्वल माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। आज द्वितीय तिथि रात्रि में 8:12 तक, उसके उपरांत तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी, नक्षत्र पुष्य दिन में 11:50 तक, उसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, योग विषकुंभ दिन में 10:45 तक, उसके उपरांत पीति योग आरंभ हो जाएगा, करण तैतिल दिन में 9:26 तक, उसके उपरांत गरकरण आरंभ हो जाएगा, सूर्योदय जयपुर में 7:22 पर और सूर्यास्त 5:48 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य धनु राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, बुध धनु राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कर्क राशि के अंदर दिखाई देंगे। ग्रह योग की बात करें तो आज भद्रा अगले दिन सूर्योदय पूर्व तक 6:52 से आरंभ हो रहा है, रवि पुष्य योग सूर्य से लेकर के 11:50 तक है और राजयोग सूर्योदय से दिन में 11:50 तक है, सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के 10:50 तक है, गणमूल प्रारंभ हो रहे हैं दिन में 10:50 से। व्रत्योहार की बात करें, इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जयंती आज है। श्रेष्ठ चौघड़ी जिनके अंदर हम अच्छे कार्यों करना चाहते हैं, चर लाभ और अमृता चौघड़िया 8:40 से 12:35 तक है, शुभ का चौघड़िया 1:53 से 3:12 तक है और राहु काल वेला दिन में 4:30 से 6 तक है। राहु काल में शुभ कार्य जो लोग नहीं करते हैं, टालना चाहते हैं और टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव कम होंगे। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं, आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा टाल सकते हैं, नहीं करनी चाहिए और यदि यात्रा करना आवश्यक हो और टाला जाना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व जल से भरे कलश का शगुन लेकर के आप यात्रा प्रारंभ करेंगे तो ये यात्रा के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। आइए अब बात करते हैं आज के दिन की मूड की। आज सूर्य बृहस्पति शनि केतु और बुध ये सब धनु राशि के अंदर है, साथ ही साथ राहु मिथुन राशि के अंदर है और चंद्रमा कर्क राशि में। चंद्रमा के कर्क राशि में होने और बृहस्पति से अष्टम होने का क्या इफेक्ट है ये अगर हम समझना चाहें तो मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ समझ में आती है कि चंद्रमा जब कर्क राशि में होते हैं तो बहुत ही विनम्रता, केयर, शब्दों की बहुत ऊंचाई, दूसरों के साथ बहुत तारतम्य अच्छे बिठाना, ये सब गुण प्रकृति के अंदर उस दिन मौजूद है, यानी आज के दिन मौजूद है। और इसके साथ अगले यानी पिछली राशि के अंदर जो है राहु मौजूद है। इस सब को अगर हम देखना चाहें, छठे आठवें जो दृष्टि संबंध है बृहस्पति से चंद्रमा का, ये एक ऐसी स्थिति को निर्माण करता है जब आप कार्य करने के लिए आप में उत्साह भी होगा, बहुत इच्छा भी होगी, लेकिन सामने से उस तरह की व्यवस्था मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। अगर इसको व्यवसाय के तौर पर समझना चाहें तो आज कह सकते हैं कि आपके मन में तो बहुत इच्छाएं, बहुत योजनाएं उनको कार्य करने के लिए, लेकिन जहां जहां भी आप बातचीत करेंगे, कोई कार्य करना चाहेंगे तो सामने से उस कड़ी के मिलने का जो समय है वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं, तो समय थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, कार्यों की प्रगति थोड़ी धीमी हो सकती है या उसमें व्यवधान आ सकते हैं। अगर आप उन व्यवधानों के लिए तैयार नहीं है तो आज के दिन का बेहतर उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो एक की जगह कई फ्रंट पर आपको काम करना पड़ेगा, तो किसी जगह से आपको सफलता, किसी से निराशा या किसी और से आश्वासन, इस तरह से सम्मिलित सा दिन आज रहने की संभावना है। लेकिन बहुत अच्छे तौर पर मन बहुत अच्छा रहेगा, मन में बहुत उत्साह रहेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप शिक्षार्थी हैं, आज के दिन को शिक्षा के दृष्टि से देखना चाहें तो आप देखेंगे कि आज आपका मन सुबह से ही आपने एक तय करके बैठे थे इस काम को पूरा करना है, इस काम को करने की बड़ी इच्छा रहेगी, लेकिन कल्पनाशीलता जगी हुई रहेगी तो आपको अपनी कल्पनाशीलता पर काबू पाना है, साथ ही साथ अपने कार्यों को पहले निपटाना है, फिर अपने जो मनोरंजन या अन्य किसी कार्य के लिए अपने दिन का समय को बांटना है, पहले
पूर्वाध में दिन के 12 बजे से पहले पहले आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा लें। आप देखेंगे अगर आपने ऐसा किया तो आज के दिन का बहुत बेहतर उपयोग शिक्षा क्षेत्र में कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि आपकी क्लास आज बहुत अच्छे से सीखे, बहुत अच्छे, तो आपको आज शुरुआत में कुछ ऐसी आपको इम्पोर्टेंट बातें अलग से कहानी के माध्यम से उनका पहले एक सब आपके जो शिक्षार्थी हैं उनका उनको अपने से बांधना होगा। अगर आप ये बांधने में कामयाब रहे तो आप यकीन माने आज के दिन का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें परिवार में आज के दिन की बात करें, आज कोई भी परिवार का जन अगर किसी को कोई एक छोटे मोटे काम बताएगा या कोई ऐसी स्थिति आएगी, आप देखेंगे सब एक दूसरे को सहयोग करते हुए नजर आएंगे, केयर करते हुए नजर आएंगे, सब एक दूसरे का ख्याल रख करके चीज़ों को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर वो काम नहीं भी हो रहे, यानी खाली आश्वासन है, उससे भी आप खुश हो जाएंगे। तो सीधे ना कहने की जगह अपने परिवार में आप उन अगर काम नहीं भी, आपको पक्का पता है कि आज आप इतने बिजी हैं आप नहीं कर पा रहे, तो भी एक आश्वासन दीजिए कि हो सका तो मैं इस काम को करूंगा। आप देखेंगे केवल इतना कहने से भी सामने से आपको गतिरोध समाप्त हो जाएगा, एक अच्छी भावना के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये स्थिति प्रेम में है तो आप देखें कि आज बहुत अच्छा दिन है इस बात के लिए। अगर आपका साथी आपके साथ है तो आप बहुत आनंदित महसूस करेंगे और सारी दुनिया की चिंता, सारे तनाव सब आपके हिसाब से बहुत दूर दिखाई देंगे। आप कल्पनाओं के नए संसार के अंदर विचरण करते हुए अपने साथी के साथ, हो सकता है ऐसा आपको कल्पनाओं महसूस होगा आप दूसरे लोक में पहुंच गए। तो ये बहुत बेहतरीन दिन आप अपने प्रणय संबंधों के लिए आप इसको छांट के रख सकें, ऐसा आज का दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि कोई चीज़ आप हर चीज़ में इतनी बाधाएं हैं कि आप प्रैक्टिकलिटी में तो आप जा ही नहीं पा रहे, आपके कार्य कोई हो नहीं पा रहे, किसी चीज़ के लिए आप जाएंगे आश्वासन मिल रहे हैं काम सही ढंग से नहीं, तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि इमोशनली आप आज के दिन को बेहतर तरीके से काम में ले लें, क्योंकि यहाँ कोई बाधा नहीं है, यहाँ कोई विचारों के तनाव नहीं है, यहाँ सहमति है, यहाँ समझदारी है और पूरी तरह डूब करके आज के दिन का आपको आनंद ले सकते हैं। अगर राजनीतिक तौर पर आज के दिन की बात सोचें हम, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा गतिरोध वाला इस मायने में रहेगा कि आप एक तरफ से एक चीज़ आ चुकी है और दूसरी तरफ से दूसरी चीज़ आनी है। अगर वो भावनाओं में कन्वर्ट हो गई, अगर वो विरोध भावनाओं में चला गया, अगर शासन पक्ष किसी भावनात्मक मुद्दे के ऊपर कोई रूल बनाना चाहता है, तो बहुत कठिन दिन है आज। आज फिर ऐसी स्थिति आ सकती है कि चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाए, चीज़ों के प्रति बड़ी एक हर तरफ से एक इमोशनल कॉज के लिए लड़ बैठे लोग, और वो दिखाई भी ना दे रहे हो, यानी कि आपके इमोशनल कॉज जिसके लिए आप कह रहे हैं वो तो छिपे हुए हैं और आप कह कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और है। तो ये भावना राजनीतिक तौर पर दिखाई देती है और इसको समझने की आवश्यकता है मित्रों, कि जब कोई व्यक्ति कुछ बात कहना करना कुछ और चाहता है और कह कुछ और रहा है, तो बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। आपको दिखाई कुछ और दे रहा है, किया कुछ और जा रहा है, ये स्थिति बड़ी असमंजस की स्थिति होती है समझने वालों के लिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको तो पता ही नहीं कि वो विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं, वो किसी एक खास चीज़ के भावनात्मक द्वंद के अंदर फंसे हुए विरोध करने आए, लेकिन उस सही जानकारियाँ उनके पास नहीं है। तो ये बड़ी ही एक अद्भुत स्थिति यहाँ पर पंचग्रह योग, राहु का सामने से साथ और चंद्रमा की इमोशनल कंडीशन चीज़ को बड़ा ही एक अलग रूप दे रही है इसको समझने की और काम में लेने करके। बहुत ही, जबकि जो लोग इसका हिस्सा नहीं है, जिन्हें चीज़ें समझ नहीं आई, उन्हें किसी ऐसी चीज़ में शामिल होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो आपको अननेसेसरीली प्रॉब्लम में डाल दे। क्योंकि अगर आप किसी बाहर हुए, किसी ऐसी इवेंट में हुए जहां पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर हो, तो आप इनोसेंसी में वहां पहुंच गए तो आप उसका पार्ट हो जाएंगे और बाद में फिर आप भावुकता के तौर पर उससे उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हों उसका कोई नहीं, बहुत समस्या भी कभी कभी खड़ी होती है, देखी गई है। तो इसको बहुत समझदारी से सुलझाने की आवश्यकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ भाग्यम में।